गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द ब्रांड न्यू वीडियो ऑफ एसजे व्लॉग्स। अभी सुबह के 6:30 बज रहे हैं और अभी मैं धर्मशाला में हूँ। लास्ट वीडियो मैंने आपको बताया था कि आज मुझे धर्मशाला से दिल्ली जाना है। ये वाला ये पंचर नहीं लग रहा है, इधर वाला बोले इनको। और यहाँ पर हम दिल्ली पहुंच गए हैं। और अगर आपने हमारी कल की वीडियो देखी है तो आपको पता होगा कि हम दिल्ली क्यों आए हैं। और अगर नहीं देखी है तो मैं आपको बता दूं कि दिल्ली हम आए हैं एक बाइक के लॉन्च इवेंट को अटेंड करने के लिए। अब बाइक ये कौन सी है? ये बाइक है हीरो कंपनी की। हीरो ने 2003 में अपनी एक बाइक निकाली जिसकी लेगेसी इतनी ज़्यादा वायरल हुई कि उसको उसकी 3 वेरिएंट निकालनी पड़ी। सबसे पहले आया करिश्मा, फिर आया करिश्मा आर, फिर आया करिश्मा जेड एम आर। करिश्मा जेड एम आर मेरा पर्सनल फेवरेट था। और अब हीरो उस बाइक को वापस लेकर आ रहा है एक नए फॉर्म में, एक नए नाम के साथ। नाम वैसे करिश्मा ही है लेकिन वेरिएंट का नाम है करिश्मा XMR। और उसी बाइक को, उस बाइक के लॉन्च इवेंट को अटेंड करने और उस बाइक को देखने हम जा रहे हैं यहाँ से दिल्ली, मतलब दिल्ली में जो जहाँ पे वेन्यू है वहाँ पर। और बाकी जो बाइक होगी उसके बारे में जो भी स्पेसिफिकेशंस होंगे अभी तो ज़्यादा रिवील नहीं है। तो मुझे उम्मीद है कि हीरो ये जो बाइक लॉन्च कर रहा है ये एक नया रेवोल्यूशन होगा हीरो के फेयरिंग वाले बाइक कैटेगरी में। जैसे पहले हुआ था वैसे अभी भी होगा। तो भाई हम इवेंट पे आ गए। इवेंट पे पहले हमें मिला दानिश भाई। दानिश भाई का चैनल है दिल्ली डीसी ब्लॉग्स। अभी थोड़े दिनों में आएंगी, वीडियो अभी अप्रूव नहीं हुई है, वीडियो पहले शूट हो गई थी। और यहाँ पर हम कुछ खा रहे हैं। नाम पूछा मैंने, व्हाट टाइटल की, ये कहाँ से ले। बाकी और भी कुछ दोस्त मिले आदर्श भाई यहाँ पे। एक मस्त बात ये पता चली कि इस इवेंट को, अब इस बाइक को लॉन्च करने के लिए ऋतिक रोशन आ रहा है और रणविजय भी। रणविजय लाइन में खड़ा हूँ। नहीं, मुझे ऋतिक ज़्यादा मतलब ऐसे फैसिनेटिंग लग रहा है। बाकी और भी लोग आ रहे हैं। और सबसे मस्त बात ये है कि इस इवेंट में एचडी ब्लॉग भी आ रहा है। आ गया है, आ गया है। अच्छा, जस्ट आस्क वेदर इट्स अल्कोहलिक और नॉट देयर। या नो, इट्स नॉट अल्कोहलिक। यू हैव टेस्टेड? या, एंड आई एम स्टिल स्टैंडिंग। सो फिर से हम मिले डैनियल भाई से। डैनियल भाई हेलो। डैनियल भाई का चैनल है रेव नाइट्रो। और ऑल्दो आई डोंट अंडरस्टैंड तमिल लैंग्वेज बट आई वॉच इट। या सीरियसली आई डू। एंड हियर वी हैव दिनेश। दिनेश इज ऑल्सो फ्रॉम रेव नाइट्रो। समटाइम्स आई सी यू ऑल्सो इन द वीडियो। इनको हिंदी समझ नहीं आती, मुझे तमिल समझ नहीं आती, हम दोनों को थोड़ी थोड़ी अंग्रेजी आती है, उसी में मैनेज हो रहा है दोस्ती। तो हम लोग यहाँ पर इवेंट पे पहुँच चुके हैं, हमने सीट ले लिया है और सामने है करिश्मा XMR का लॉन्चिंग स्टेज। जहाँ पर जिसको रिवील करेगा कौन? ऋतिक रोशन। सब दिख रहा है। Karisma. So your guess was wrong. Karisma is the icon, the legend. But we've got two legends for you.
the legend on top of the legend. All right, let's roll the ticker, guys, and get the final introductory prize for this new Charisma XMR, which is... तो भाई यहाँ पर बाइक हो गई है लॉन्च और बाइक जो आवाज़ आपको अभी रहेगी लोग रैप कर रहे हैं, तगड़ा साउंड है भाई। लेकिन पहले हमने सोचा कि लॉन्च तो बाइक हो गई, पहले हम अपने आप पेट पूजा करते हैं, कुछ खाएंगे, उसके बाद आपको बाइक दिखाएंगे। हालांकि थोड़ा बहुत झलक आपको दिखा दिया ऋतिक रोशन ने लॉन्च किया था। कुछ बोलना चाह रहे हो बोलो। मैं बोलना चाह रहा हूँ कि भाई ये बताओ तुम्हें बाइक कैसी लगी और लॉन्च कैसे लगा भाई? पर्सनली मुझे तो बड़ा मजा आया। हाँ, मुझे भी बड़ा मजा आया। प्राइसिंग बहुत अच्छी है, प्राइस बहुत अच्छी है। जो इंट्रोडक्टरी प्राइस थी 172,900, मतलब अगर रोड टैक्स वगैरह लगा दो तो अभी 185 में 210 cc लिक्विड कूल्ड और मोस्ट पावरफुल इंजन। हाँ भाई, 25 horsepower के साथ। तो इसी बात पे हम गलौटी कबाब खाएंगे, चलो। जितना धमाकेदार लॉन्च था उससे भी धमाकेदार हीरो वालों ने खाने का अरेंजमेंट किया है। अभी मैंने वीडियो बनाने के लिए थोड़ा थोड़ा ले लिया है। जब ये वीडियो बन जाएगी, खाना ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद मैं और खाऊंगा। अभी थोड़ा सा ये बिरयानी है, पनीर है, गलौटी है, लैम्ब है, बहुत कुछ है भाई हर जगह। तो यार यहाँ पर बाइक का लॉन्च इवेंट ख़त्म हो गया, हमने खाना भी खा लिया। अब आपको बताते हैं कि बाइक जो लॉन्च हुई है कौन से कलर में हुई है, क्या क्या स्पेसिफिकेशंस है, क्या क्या फीचर्स हैं और क्या प्राइस है। प्राइस तो मैंने उससे बता दिया। तो सबसे पहला कलर जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये है रेड कलर में करिश्मा ZMR। इसके बाद है यहाँ पर ग्रीन येलो कलर में और येलो के बाद है यहाँ पर ब्लैक कलर में। हालांकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही भीड़ है, मुझे लगता नहीं कि मैं किसी एक बाइक को पकड़ के बहुत अच्छे से डिटेल में बता पाऊँगा, लेकिन फिर भी कोशिश करता हूँ कि क्या क्या फीचर्स हैं। बाइक तो आप देख रहे हो यहाँ पर डीनो बॉल्ट बहुत अच्छे से इसको बता रहे हैं, बाकी उधर दानिश भाई बता रहे हैं। और जो स्पेसिफिकेशंस हैं मैं आपको सबसे पहले इधर बताऊँगा। इंजन है इसका 4-stroke 4-valve सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड और DOHC। बाकी इसका जो मैक्स पावर है दैट इज़ 25.5 PS अपने सेगमेंट में सबसे फास्ट, और इसका मैक्स टॉर्क है 20.4 Nm। तो पहली जो बाइक है वो है रेड कलर में करिश्मा ZMR XMR। ZMR इतनी ज़्यादा फेमस हुई थी कि बार बार उसी का नाम निकल रहा है, ये करिश्मा XMR रेड। इधर अगर आप देखोगे भाई खुजाओ मत, तो ये है करिश्मा XMR येलो कलर में एंड दिस इज मैक ब्लैक। तो फाइनली हमें एक बाइक मिली जिसको हम आपको अच्छे से बता सकते हैं। स्टार्ट करते हैं इसके चाबी से। भाई जब भी मैं कोई बाइक ले रहे बताने आ रहा हूँ, कोई ना कोई बंदा आ जा रहा है, इनसे मिलो। ये है नितिश भाई, नितिश नियो करके इनका चैनल है और काफ़ी अच्छा वीडियो बनाते हैं, मेरे से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ये शेयर करते हैं। तो कभी कभी अगर ऐसा लगे कि बाइक के बारे में बहुत डिटेल में जानना है तो नितिश भाई से मिलना। खैर ये है इसकी चाबी यार, बहुत दिनों के बाद देख रहा हूँ कि हीरो की चाबी काफ़ी क्लासी लग रही है, क्योंकि एक क्लासी बाइक है, एक लेगेसी वाली बाइक है। तो जब चाबी अपने हाथ में आ गई तो सबसे पहले इग्निशन ऑन करते हैं। लोगों ने इसकी बैटरी डाउन कर दिया तो शायद मैं एग्जॉस्ट नोट नहीं सुना पाऊंगा, लेकिन इसका डिस्प्ले को देख लो। जैसा हमें इनविटेशन आया था सेम टू सेम वैसा ही डिस्प्ले है इसका। इसमें बहुत सारे आपको इन्फॉर्मेशन मिलेंगे। फिलहाल एक काम करते हैं, एक बाइक का वॉक अराउंड लो जो कंप्लीट मैट ब्लैक कलर में आती है, वो कुछ इस तरीके की आती है। येलो यहाँ पर है, रेड उधर है। बाकी इस बाइक का जो इंजन कैपेसिटी है वो है 210 cc के आसपास। बाकी कुछ कुछ अच्छी चीज़ें इस बाइक में हैं, जैसे कि ये बाइक वैसे तो स्पोर्ट्स बाइक है, लेकिन अगर आप इस पर चाहो तो लॉन्ग टूर भी कर सकते हो, क्योंकि इसका सीट है काफ़ी कम्फर्टेबल और साथ ही साथ जो इसका वाइज़र है वो एडजस्टेबल है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एक वाइज़र का बटन है, इसको दबा के प्रेस करके हम वाइज़र को ऊपर नीचे कर सकते हैं। और बाकी आगे डिस्क मिल जाता है। बाइक की जो एक्सपेक्टेड कॉस्ट थी, जो मुझे लग रहा था कि शायद वो 2-2.5 lakh के आसपास की आएगी, लेकिन एक शोरूम इसका प्राइस अभी आया है 1,72,900। लेकिन ये इंट्रोडक्टरी प्राइस है, इसके बाद कुछ दिनों के बाद जब ऑब्वियसली जब टाइम ख़त्म हो जाएगा तब इसका प्राइस 1,82,900 हो जाएगा। DOHC इंजन है, अपने कैटेगरी में सबसे पावरफुल। बाकी बाइक कैसी लगी आप बताना ज़रूर। तो ये हमने आपको दिखाया करिश्मा XMR का जो फर्स्ट लुक है और जो मुझे फील हुआ उसके बारे में आपको बताया, उसके स्पेसिफिकेशन के साथ जब बाइक मिलेगी चलाने के लिए, क्योंकि बहुत जल्द हीरो एक इवेंट और कर रहे हैं जो कि उदयपुर में होने वाला है, जहां पर मुझे इनविटेशन है। दानिश भाई को भी है शायद, है आदर्श भाई को भी है। तो हम सारे लोग जाएंगे, बाइक को
चलाएंगे, उसका एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करेंगे, बाइक का पावर क्या है, सारी बातें, ब्रेक कैसी है, चला के कैसा लग रहा है, सब कुछ डिटेल में आपको बताएंगे। फिलहाल तो आप सभी को हीरो के तरफ से और मेरे तरफ से कॉन्ग्रेचुलेशन, क्योंकि करिश्मा XMR आ गया है वापस। और ये जो इसका प्राइस है, ये सच में एक ऐसा प्राइस है जो मुझे लगता है कि करिश्मा जैसे हीरो स्प्लेंडर प्लस, ये स्प्लेंडर तो हर घर में होता था, अब करिश्मा भी XMR हर घर में हो सकता है। घर घर हर घर बोलेगा करिश्मा XMR मोदी के बाद। बोलो पहले हर मोदी घर करिश्मा। तो यहाँ पर सारे लोग बता रहे हैं कि बाइक कैसी है, बस मुझे मैडम का समझ में नहीं आ रहा है कि मैडम बता रही है क्या दिखा रही है, मतलब परफेक्ट तो फिलहाल यार यहाँ पर हम अभी अपने ये जो बाइक है XMR, इसका एक डेडिकेटेड रिव्यू फर्स्ट इम्प्रेशन मैंने शूट किया है, जो कि मेरे चैनल मेन चैनल नहीं बोलेंगे, SJ ऑटो व्लॉग्स वाले चैनल पर आ जाएगा। जो मेरा फर्स्ट इम्प्रेशन था वो मैंने बताया, और बहुत जल्द जैसा मैंने आपको बताया इसका एक कम्प्लीट डेडिकेटेड वीडियो लेकर आऊँगा राइडिंग एक्सपीरियंस के साथ। बाकी यहाँ दानिश भाई अपना नेम चेंज करके दिनेश ही कर लो यार, अब मुझसे निकल गया तो। मैं उस सब प्यार से डीसी बोलता हूं, डीसी शॉर्ट में। चलो ठीक है, तो डीसी भाई यहाँ पर एडिट कर रहे हैं, एडिटिंग में लगे हुए, और फिलहाल देखते हैं यार यहाँ से, अब यहाँ से निकलने का प्लान बनाते हैं और फिर मैं आपको मिलता हूँ। भाई प्लीज़ यार वीडियो को लाइक करो भाई, जो है ना भाई फुल मेहनत कर रहे हैं, भाई मेहनत कर रहा हूँ, तो भाई सब्सक्राइब जरूर करना भाई, किसको मुझे आपको दोनों को कर लेना भाई। ठीक है ठीक। वैसे यार सोचा तो ये था कि यहाँ पे सारा काम निपटा के यहाँ से फटाफट निकलते हैं गुड़गांव अपने दोस्त के पास, लेकिन हमारे दोस्त दिनेश भाई, डैनियल भाई, इन्होंने खाना नहीं खाया था, और मैंने सोचा जब इन्होंने खाना नहीं खाया है और मैंने पहले खा लिया है तो इनका साथ देना पड़ेगा। सो आई ईट अगेन विथ यू। ओके ओके। इनको समझ नहीं आ रहा था लेकिन साथ है ये। 3-4 ट्रिप लगा के खाना खाने के बाद फाइनली पूरे इवेंट में मज़ा आने के बाद, सबको बाय बोलने के बाद, अब हम यहाँ से जा रहे हैं। और जैसा कि आपको पता है दिल्ली में जो हमारा फ्लैट था वो मैंने रेंट आउट कर दिया है, तो जब भी मैं दिल्ली आता हूँ तो मैं अपने दोस्त के पास ही रुकता हूँ, विशाल के पास। तो अभी भी मैं विशाल के पास जा रहा हूँ। बाकी गाइस आपको ये बाइक कैसी लगी ये ज़रूर बताना, और अभी बहुत जल्द उदयपुर में हमारा एक और इवेंट होने वाला है जिसमें ये बाइक मुझे दी जाएगी 200 किलोमीटर के राइड के लिए। तो 200 किलोमीटर बहुत ज़्यादा होते हैं किसी भी बाइक को जज करने के लिए, तो एक कंप्लीट अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करने वाला हूं मैं बहुत जल्द कि बाइक कैसी है, इसका माइलेज क्या है, इसका टॉप स्पीड क्या है। कोशिश करेंगे सारा इन्फॉर्मेशन जो भी लेमेन टर्म्स में आपको मैं बता सकता हूँ आपको बता दूँ। बाकी अभी फ़िलहाल चलते हैं अपने दोस्त के पास। बाकी इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा ही लंबी हो गई और मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ, सुबह से निकला पड़ा था। अभी जैसे ही जाऊँगा वहाँ पर जाके सीधा सो जाऊँगा और कल मिलूँगा। तो ऐसे ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट डेली लाइफ के व्लॉग के साथ। तब तक के लिए गाइज, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और पहली बार हमें देख रहे हैं तो प्लीज़ फॉलो कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, फेसबुक पर फॉलो कीजिएगा, यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिएगा, इंस्टाग्राम पर भी आप हमें चेक कर सकते हैं, SJ Vlog SSS अकाउंट है हमारा। बाकी मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में अगले कॉन्टेंट के साथ, तब तक के लिए।